अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे आप सब, उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। तो जैसे कि आपको पता है, एमडी के टेस्ट हो चुका है 22 सितंबर पे। इसके अलावा टेस्ट बहुत ज़्यादा लीक हुआ था, और इसके अलावा भी 25 एमसीक्यूज ऐसे थे जो आउट ऑफ सिलेबस थे। और आज 27 सितंबर को एमडी के रिज़ल्ट अनाउंस हो चुके हैं। ये चोर है ना, चोरों ने अपने रिज़ल्ट अनाउंस किए हैं, क्योंकि इन्होंने सोचा कि ये बहुत लोग रो रहे हैं, टेस्ट को फिर से हम रिकंडक्ट नहीं करवाएंगे, जल्दी जल्दी हम एमडी के रिज़ल्ट अनाउंस करें। 2023 में भी ऐसे हुआ था, स्टूडेंट रो रहे थे, रोडों पे थे, इन्होंने अपने रिज़ल्ट अनाउंस किए हैं। क्यों ऐसे करते हैं? अगर स्टूडेंट एग्री नहीं थे तो आप लोगों ने क्यों एमडी के रिज़ल्ट अनाउंस की? स्टूडेंट्स को 5 दिन हो गए वो रोडों पे निकले हुए हैं, और आप लोगों ने एमडी के रिज़ल्ट अनाउंस किया है। हम चुप नहीं बैठेंगे, आप लोग एमडी केट को रिकंडक्ट करेंगे। आप लोग बोल रहे हैं कि 2023 में ऐसे हुआ था, हमने रिज़ल्ट अनाउंस किए हैं, स्टूडेंट चुप हो गए हैं। अब स्टूडेंट चुप नहीं बैठेंगे, और हमारे सिंध हुक्मरान कहाँ हैं, जज कहाँ हैं, हमारे लिए क्यों स्टैंड नहीं लेते हैं, क्यों हमारे लिए स्टैंड नहीं लेते हैं? प्लीज़ हमारे लिए स्टैंड लें, एमडी केट रिकंडक्ट हो, एमडी केट को रिकंडक्ट किया जाए। और सिंध हुकूमत से अपील है, तो हमारे प्लीज़ हमारे साथ दें, हमारे स्टूडेंट्स के साथ दें, क्योंकि 2023 में भी स्टूडेंट्स के साथ ऐसे हुआ था, और 2024 में भी स्टूडेंट के साथ ऐसे हो रहा है दाओ यूनिवर्सिटी के वजह से। दाओ यूनिवर्सिटी को बिल्कुल भी ख़त्म किया जाए, एमडी केट को रिकंडक्ट किया जाए, हमारी अपील है सिंध गवर्नर से एंड एजुकेशन मिनिस्टर से। थैंक यू। ये वीडियो आगे से आगे शेयर करें, ताकि हमारे लिए कोई ना कोई स्टैंड ले।